नमस्ते पीपल, दिस दात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको बजट की इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, भले आप फैमिली वालों के साथ जाएं या दोस्तों के साथ में जाएं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको एज ए इंडियन, हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हमेशा एक बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इतने पैसे बाकी हैं, हमने इतने खर्च कर दिए, फ्लाइट का खर्चा इतना, फलाना ढिमका। बट इन सब कंट्रीज के बारे में ऐसा नहीं है, यहाँ पर बजट आप काफ़ी अच्छा रख सकते हैं घूमने के लिए और सारी कंट्रीज पास में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल में अगर आप जाएंगे तो आप 10 से 15 दिन एक अच्छे बजट के अंदर गुजार सकते हैं। वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्री है वो बहुत महंगी है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ के, बट अगर आप वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज घूमना चाहते हैं तो पुर्तगाल आपका काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखने के लिए म्यूजियम्स हैं, आर्किटेक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है और मोस्टली अगर आप फुल यूरोप का टूर ले रहे हैं तो आप अगर पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो यहाँ तक के जाने के लिए आप एयरलाइंस ले सकते हैं और मोस्टली कंपेरेटिवली दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले यहाँ तक जाने वाली जो एयरलाइंस है वो काफ़ी सस्ती हैं, तो आप एक अच्छे बजट के अंदर इस कंट्री को घूम सकते हैं। 9th नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं तो आपको शायद फ्लाइट के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, ओवरऑल इस कंट्री में घूमना काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे देखने के लिए लग्जरी होटल्स हैं, इनके होटल अगर लग्जरी बजट है तो आप होटल्स देख सकते हैं, नहीं तो इनकी ट्रेन्स काफ़ी खूबसूरत है, वाइल्ड लाइफ सफारी आप ले सकते हैं। मैंने साउथ अफ्रीका के ऊपर फुल बजट वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक आएगा आप उसको क्लिक कीजिए तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट अगर आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, यहाँ तक पहुँचना थोड़ा महंगा है बट यहाँ पर घूमना फिरना काफ़ी सस्ता है। इतनी सारी खूबसूरत कंट्रीज़ के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी घूमना जाना चाहते हैं और आपको चाहिए एक अच्छा अकोमोडेशन तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है ओयो का। अगर आप मार्च के महीने तक कहीं पर रुकना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको मिलेगा 45% ऑफ। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप अप्रैल तक घूमना चाहते हैं तो आप अगेन लिंक पे जाके यूज़ कर सकते हैं मेरा सेकंड नंबर का कूपन कोड, वहाँ पे जाके आपको मिलेगा 40% ऑफ मेरी तरफ से। तो आप ओयो रूम्स को बुक करना ना भूलें जहाँ भी आप ट्रिप पे जाएं। नेक्स्ट जो कंट्री है घूमने के लिए उसका नाम है टर्की। टर्की काफ़ी अच्छा बजट प्रोवाइड करवाती है इंडियंस के लिए, खासकर टर्किश एयरलाइंस। अगर आप यहाँ से फ्लाइट लेंगे तो आपको अच्छी फ्लाइट मिल सकती है। उसके बाद जहाँ तक बात होती है वीज़ा की, टर्की के लिए वीज़ा लेना फॉर इंडियंस काफ़ी ईजी है। यहाँ घूमने फिरने के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह, कल्चरल ब्लेंड है, खासकर इस्तांबुल काफ़ी खूबसूरत है। एंड अगेन मैंने टर्की के ऊपर एक बजट गाइड बनाई है, अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको जाके फुल ऑफ देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, बजट को लेकर, फ्लाइट को लेकर, वीज़ा को लेकर। 7th एंड 6th नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है पोलैंड एंड हंगरी। पोलैंड इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, थोड़ी महंगी हो सकती है वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले। यहाँ पर अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, खासकर वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री में, तो आप उसको जाके एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहाँ तक बात होती है हंगरी की, हंगरी काफ़ी खूबसूरत कंट्री है और काफ़ी चीप है फॉर इंडियंस। यहाँ पर इंडियन करेंसी काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ का कोरोना काफ़ी एकदम डाउन है। इनफैक्ट हंगरी में काफ़ी सस्ती बियर मिलती है किसी भी दूसरी कंट्री के मुकाबले। तो अगर आप हंगरी जाते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री घूमने के लिए तो आप इसको अपनी बजट लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हंगरी घूमना आपके बजट के लिए भी अच्छा, आप एक नई कंट्री घूम लेंगे बहुत ही कम बजट के अंदर। एंड जो 4th कंट्री है उसका नाम है बुल्गेरिया एंड चेक रिपब्लिक। अगेन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी सस्ती है। चेक रिपब्लिक के ऊपर भी मैंने बजट वीडियो बनाया है, आप फुल ऑन देख सकते हैं। ये जगह घूमने के लिए काफ़ी अच्छी है, आप फैमिली के साथ जाएँ या दोस्तों के साथ में जाएँ। अगेन यहाँ पर अल्कोहल भी काफ़ी चीप है, एक्सचेंज अच्छा है, वीज़ा भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है बुल्गेरिया और चेक रिपब्लिक दोनों का। जो कंट्री है उसका नाम है जमैका। जमैका काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, इंडियंस के लिए थोड़ा दूर हो सकता है, यहाँ का फ्लाइट लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बट अगर फॉर मान लीजिए आप US में हैं, अगर आप US से जमैका जाना चाहते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट का बजट निकाल दें तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जमैका की, इंडियंस को वीज़ा काफ़ी आसानी से प्रोवाइड करवाती है। आप यहाँ पे 20 से 25 दिन एक अच्छे बजट के अंदर गुजार सकते हैं। कंट्री काफ़ी दूर है बट यहाँ से पहुँचना थोड़ा महंगा है, बट वहाँ पर रुकना, वहाँ पर मज़े करना काफ़ी सस्ता है। सेकेंड जो कंट्री है उसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको अगेन US के पास में ही, आप सब जानते होंगे या नेटफ्लिक्स पे इसके ड्रग्स वाले शो देखे होंगे, बट ये कंट्री वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसा आप TV पे देखते हैं। ये कंट्री काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सेफ है, वीज़ा अगेन आसानी से प्रोवाइड हो जाता है इंडियंस के लिए। फ्लाइट के लिए थोड़ा खर्चा आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, बट अगर एक बार आप यहाँ पर पहुँच गए अपने बजट के साथ में तो आप यहाँ पर आसानी से घूम फिर सकते हैं। यहाँ का खाना भी काफ़ी सिमिलर है इंडियंस के मुकाबले तो क्या बोले, काफ़ी स्पाइसी है, काफ़ी अच्छा खाना है। मैं तो कभी नहीं गया बट अगर मुझे जाने का मौका मिला तो मैं ऑफकोर्स जाना पसंद करूँगा।
जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है थाईलैंड। अगेन मैंने थाईलैंड पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए अपने चैनल पे और काफ़ी लोग देखना भी पसंद करते हैं क्योंकि कंट्री काफ़ी सस्ती है। इंडियंस को यहाँ पे वीज़ा अराइवल मिलता है सिर्फ 2000 बाहर के अंदर। अलावा यहाँ की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है इंडियन करेंसी के मुकाबले, थोड़ी सी डबल है। बट अगर आप एक अच्छा बजट लेके यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे 2-3 हफ्ते आराम से गुजार सकते हैं। मुकाबले आप किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के जाएंगे, आप थाईलैंड जाएंगे आपको बीचेस भी मिलेंगे, आपको क्लब्स भी मिलेंगे, आपको एकदम बिजी हैसल लाइफ भी मिलेगी। आपको थाईलैंड में जो देखना है एक बजट के अंदर आप वो देख सकते हैं। आपको सिटी देखनी है देखिए, बीचेस देखने देखिए, आपको क्लब्स जाना आप जा सकते हैं, आपको बाद में मस्ती करनी है आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप थाईलैंड की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगेन यहाँ तक अगर आप फ्लाइट लेंगे तो काफ़ी सस्ती फ्लाइट है इंडिया से, खासकर कोलकाता से। अगर आप दिल्ली मुंबई से फ्लाइट लेंगे तो भी आप कंपैरेटिवली सस्ती है, बट उतनी सस्ती नहीं कोलकाता के मुकाबले। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आप आराम से अपने बजट को प्यार से खर्च कर सकते हैं और घूम सकते हैं। कहीं जगह पर फ़्लाइट थोड़ी महंगी है, बट अगर आप फ्लाइट का पैसा दे सकते हैं तो आप इन सब जगहों का आराम से घूम सकते हैं। ये थी वो लिस्ट जहाँ पे आप अपने पैसे को एकदम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।